वेरी वेरी इजी बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना, एमसीक्यू में आने के इसके काफी चांसेस हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। एक्स बॉट अ मशीन फॉर 25,000 ऑन विच ही स्पेंट ₹5,000 फॉर कैरेज एंड फ्रेट, 1,000 फॉर ब्रोकरेज ऑफ द मिडलमैन, 3,500 फॉर इंस्टॉलेशन, 500 फॉर एन आयरन पैड। आयरन पैड बेसिकली उसका बेस, उसके ऊपर वो मशीन रखनी होगी। ये सब कुछ मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होगा या कुछ होगा और कुछ नहीं होगा? सर सब बैड होएगा। सब सब ऐड होगा, कॉस्ट ऑफ द मशीनरी 25,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 3,500 प्लस 500, 25 प्लस 5 30, 31, 34, 35,000। इसमें किसी को डाउट? नो सर। 31, 34, 35,000। द मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। After 3 years, the machine was sold to Y for 30,500 and 500 was paid as commission. पहली बात, after 3 years मतलब आपने 3 years के लिए depreciation और 3 years के लिए मशीन यूज करी, तो यस सर। यस सर। depreciation निकालते हैं। depreciation कोई डेट नहीं है तो आप डायरेक्टली ऐसे निकालेंगे, ईयर वन 35,000, 35,000 का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, 3,500। अब ईयर टू की डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी? 35,000 माइनस 3,500 का 10%, विच इज इक्वल टू 31,500 का 10%, 3,150। यस। थ्री की डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी? 31,500 माइनस 3,150 का 10%, तो 31,500 माइनस 3,150, 31,500 माइनस 3,150, 28,350 का 10%, विच इज इक्वल टू 2,835। टोटल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 3,500 प्लस 3,150 प्लस 2,835, 3,500 प्लस 3,150 प्लस 2,835, 9,485। तो बुक वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 35,000 माइनस 9,485, तो 25,515। यस और नो? यस सर। अब ध्यान से देखना, ये तो हो गई बुक वैल्यू। आपने कितने की बेची? आपने बेची 30,500, बट बेचने के टाइम आपको कमीशन देनी पड़ी। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मजेदार नई चीज है आपके लिए अभी, कि बेचने के टाइम अगर कमीशन देनी पड़ी, आपका एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस। एक्सपेंस। एक्सपेंस है, तो वो आपकी सेल प्रोसीड्स उतने से कम कर देता है। तो ध्यान से देखना, सेल वैल्यू आपने 30,500 की बेची, लेकिन 500 तो आपको कमीशन देनी पड़ गई, तो आपके पास पैसे आए कितने? 30,000 ये पॉइंट एक बार समझा दो प्लीज। कमीशन और ब्रोकरेज,
on sale of machine will be deducted from the sale value. मैंने घर बेचा 1 करोड़ का और मुझे उसके ऊपर 2 लाख कमीशन देनी पड़ गई तो मेरे पास पैसे आएंगे कितने नेट सर? माइनस 2 लाख. 98 लाख. यस सर. तो मैंने खरीदा था उसको 80 लाख का, तो जो मेरा प्रॉफिट है 98 माइनस 80 होगा या 100 माइनस 80 होगा? सो 98 माइनस 98, क्योंकि 2 लाख तो आपका खर्चा हो गया ना. यस सर. अगर सेल करने के टाइम आपकी कोई कमीशन लग रही है तो वो कमीशन आपको सेल प्रोसीड में से माइनस करनी पड़ेगी. उसके बाद जो सेल वैल्यू आएगी वो कंसिडर करेंगे प्रॉफिट निकालने के लिए. तो इसको अब मैं क्या बोलूंगा, नेट सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू. तो नेट सेल वैल्यू क्या थी? 30,000. बुक वैल्यू क्या है? 25,515. तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 4,485. प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 4,485. समझ आया? यस सर. छोटा सा क्वेश्चन बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20.